अल्ट्रा भक्ति चैनल पर आपका स्वागत है और नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और बेल वाले बटन को दबाना न भूलें। मैं ओमकार हूँ, आकाश धरती और पाताल तीनों लोकों में मेरी दिव्य पदचाप दिव्य पुरुष सुन लेने में समर्थ है। मैं सर्वज्ञ ही नहीं सर्वव्यापक भी हूँ कि इंद्र को दुर्वासा श्राप देते हैं, परिणाम स्वरूप दानवराज बलि इंद्रासन पर आ बैठा, व्याकुल मन लेकर इंद्रादि देवता ब्रह्मा जी के पास आते हैं। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के पास जाने के लिए कहते हैं। सभी देवगण श्री हरि विष्णु के पास आते हैं। श्री विष्णु समाधान के लिए उन्हें देवाधिदेव शिव शंकर के पास भेजते हैं। शिव जी से निवेदन करने पर वे समुद्र मंथन ही एकमात्र समाधान बताते हैं। शिव जी की आज्ञा अनुसार नारद राहु को समुद्र मंथन के लिए तैयार करने हेतु प्रस्थान करते हैं। नहीं, दुष्ट देवताओं का कोई भी प्रस्ताव हमें स्वीकार नहीं, समुद्र मंथन का मत भी हमें स्वीकार नहीं। लगता है इसमें भी देवताओं का कोई नवीन षड्यंत्र है। नारायण नारायण, इतने शक्तिशाली होने पर भी देवताओं से भयभीत हो रहे हो? कदापि नहीं। हमारे द्वारा देवताओं को स्वर्ग से बाहर खदेड़ना इस बात का ठोस प्रमाण है कि हम देवताओं से अधिक शक्तिशाली हैं। वास्तव में तुमने तो होनी को अनहोनी कर दिखाया है। दुर्वासा के श्राप से प्रेरित होकर एक बड़ी चुनौती स्वीकार की है और उसमें विजय भी हुए हो। नारायण नारायण, निश्चित ही विजय हुए। मैं एक बात सोच रहा हूँ, तुम दानव यदि शक्तिशाली हो तो देवगण बुद्धिमान ज्ञानवान तुम दानव एक स्वर्ग लेकर यहाँ मौत मनाते बैठे रहोगे और वहाँ वहाँ देवगण समुद्र मंथन से 100 स्वर्ग उत्पन्न कर डालेंगे। सत्य तो ये है कि आरंभ में देवताओं को भी कोई रुचि नहीं थी, परंतु भगवान शिवशंकर ने जब समुद्र मंथन से उत्पन्न होने वाले दुर्लभ पदार्थों की बात कही तो देवता सहर्ष मान गए। परंतु ये बात आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई देवर्षि नारद? बताता तभी जब तुम सुनने को तैयार होते। तुम तो अपने पद के मद में डूबे हुए हो। नारायण नारायण, शिवशंकर पर तो हमें पूर्ण विश्वास है, परंतु यदि उनकी बात मानकर हम समुद्र मंथन का प्रस्ताव स्वीकार भी कर लें तो भी इस बात का क्या भरोसा कि समुद्र मंथन से उत्पन्न पदार्थों का वितरण सुरों और असुरों में स्पष्टता से होगा। ऐसा प्रतीत हो रहा है सेनापति राहु कि तुम हमारा तात्पर्य नहीं समझ पाए। नारायण नारायण, सुनिए तो सही देवर्षि नारद। एक और तुम कहते हो कि तुम्हें भगवान शंकर पर पूर्ण विश्वास है और दूसरी ओर शंकर का आंचल भी नहीं छोड़ सकते, ऐसे तो कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। अरे देवर्षि, यदि एक बात देवताओं को मान्य हो तो हमें समुद्र मंथन का प्रस्ताव स्वीकार्य है। क्या? यही, समुद्र मंथन से पहले हम स्वर्ग लोक नहीं छोड़ेंगे। इसका निर्णय तो भगवान शिवशंकर ही करेंगे और तुम ये भली भांति जानते हो और मानते भी हो कि वे निष्पक्ष हैं। अब क्या कहें इसे, दानवों का दुर्भाग्य या देवों का भाग्य कि समुद्र मंथन से उत्पन्न होने वाले दुर्लभ पदार्थ मात्र देवों को ही प्राप्त होने की परिस्थितियां निर्मित हो रही है। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। दानव अपने दुर्भाग्य का द्वार स्वयं खटखटाने जा रहे हैं। नारद, मैं इस विषय पर एक बार शिवशंकर से बात करना चाहता हूँ। शुभश्च शीघ्रम। देवादिदेव महादेव और सेनापति राहु एक दूसरे से भली भांति परिचित हैं। चलो चले कैलाश। ओम नमः शिवाय। कैलाश जाइए असुर सेनापति राहु, मुझे शिवशंकर से भेंट करनी है। कैलाश पति अभी ध्यान में है, तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी। बात महत्वपूर्ण है, मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकता। शिवशंकर महेश्वर, ऐसा व्यवहार शोभा नहीं देता। किंतु ऋषिवर, ये हमारे शिवजी के ध्यान में बाधा डाल रहे हैं। इनसे कहिए कि बाद में आए।
नारायण नारायण ये बाधा नहीं डालेंगे। महादेव शिव शंकर की आज्ञा से ही वे यहाँ पधारे हैं। पधारिए पधारिए राहु पधारिए। नारायण नारायण। हे शिव शंकर कैलाशपति क्षमा करें आपके ध्यान में व्यवधान हुआ। असुर सेनापति राहु आपसे भेंट है तो यहाँ पधारे हैं। आपके गणों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया किंतु आओ राहु प्रणाम शिवशंकर। हम जानते हैं तुम यहाँ अपने संदेह निवारण के लिए आए हो और तुम्हारा संदेह यह है कि समुद्र मंथन के पश्चात तुम असुरों से कहीं स्वर्ग छिन जाए। कहो यह सत्य है? सत्य है शिवशंकर। तो सुनो तुम्हारी शंका निर्मूल है। इसकी संभावना मात्र उसी स्थिति में पैदा हो सकती है यदि तुम्हारे किसी अन्यायपूर्ण और अनैतिक कार्यों के कारण देवताओं का पल्ला भारी हो जाए। और तुम्हारी दूसरी शंका यह है कि समुद्र से निकलने वाले रत्नादि का विभाजन कैसे होगा। रत्नों का बंटवारा योग्यता के अनुरूप ही होगा। अयोग्य रत्न पाकर कोई भी पक्ष स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। कोई और शंका? नहीं। परंतु इतना महान अनुष्ठान संपन्न कैसे होगा? समुद्र मंथन कोई बाल क्रीड़ा तो नहीं? चिंताएं करना न सुनो का काम है न सुनो का। समुद्र मंथन के कार्य संबंधित निर्णय हमने ले लिया और संबंधित व्यक्तियों को आदेश भी दे दिए। क्षीर सागर वासी विष्णु मंथन क्रिया के लिए मेरु पर्वत का आधार बने और वासुकी नाग रज्जु का कार्य करेगा। तुम जाकर दानवों को प्रेरित करो और शीघ्र ही समुद्र मंथन का कार्य प्रारंभ कराओ। जाओ। नारायण नारायण। शिवाज्ञा को शिरोधार्य कर दानवराज बलि से मंत्रणा करने के पश्चात शंकाशील सेनापति राहु शंका से उभरे और समुद्र मंथन के लिए तत्पर हुए। इसी प्रकार देवगण भी समुद्र तट पर आ पहुंचे जहां मेरु पर्वत मथनी और वासुकी नाग रज्जू के रूप में उपस्थित थे। शक्तिशाली है और कौन नहीं। हाँ। देवराज जी क्या कह रहे हैं? वासुकी के मुख
से निकलने वाले विष से बचने के लिए मैंने ये सब सुहाग रचा था, और आप शत्रुता पर उतर आए। सभी देवता वासुदेव की पूछ की ओर रहेंगे और हम असुर मुख की ओर रहेंगे। भगवान शिव शंकर की कृपा से समुद्र मंथन की आज्ञा पूर्व ही मिल गई है। शुभ कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए, वो उचित नहीं। बोलिए भगवान शिव शंकर की जय। भगवान शिव शंकर की जय। Oh, my God.
प्राप्त हो गया तो उसे पीकर वे अमर हो जाएंगे और इन देवताओं के लिए नई बाधाएं उपस्थित हो जाएंगी। चिंता न करो नारद, अमृत देवताओं को ही प्राप्त होगा। देवगणों से कहो कि वे पंक्ति में बैठ जाएं।